देखिए, भारत के जगने का समय आ गया है। भारत ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं के जगने का समय है। जिसे हम धूल धक्कड़ कहते थे, जिसे हम मिट्टी का कण कहते थे, जिसे कहते थे इसकी बहुत छोटा है, इसका कोई महत्व नहीं है, अब उसकी महिमा प्रकाशित हुई। उसी एक कण से जितना छोटा होता है कि आँखों से देख नहीं सकते हैं, उसमें से क्या चीज़ प्रकट हुआ। प्रकाश बिजली है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर की क्रियाशीलता, इंटरनेट, सेलफोन, रडार, टेलीविज़न। तो महिमा तो धूल के कण की भी प्रकाशित हो गई। ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं, सबके अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है, छिपे हुए रहस्य को हम संक्षेप में कहते हैं भगवान, ईश्वर। उस सबके अंदर जो ईश्वर छिपे हैं, अब हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम उनको पकड़ पा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से पकड़ पाए इसका प्रयास चल रहा है। और जो ये चाहता है कि एक ही जन्म में हम परमात्मा को अच्छी तरह से पकड़ लें, उसके लिए संसाधन भी उपलब्ध हो गए हैं। ये प्रयोग करके देखा गया है कि जो क्रियायोग ध्यान करते हैं, भले ही गलत कर रहे हों, लेकिन प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, जितने की सामर्थ्य है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सबको लगा दें और क्रियायोग ध्यान करें, तो सुनिश्चित हो जाता है कि एक ही जन्म में जिस प्रकार अवतार सेवा करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने सेवा किया, भगवान राम ने किया, वशिष्ठ विश्वामित्र ने किया, उसी तरह से सेवा कर सकेंगे। अब ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है। पहले ये था कि तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, पता नहीं भगवान कब खुश होंगे, अब ये नहीं है। जैसे परमाणु के अंदर ऊर्जा है, एक कण में ऊर्जा भरी हुई, कितनी शक्ति है, अगर उस शक्ति को प्रकट कर दिया जाए तो एक परमाणु की शक्ति से पूरा देश खत्म हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। अगर परमाणु के अंदर की न्यूक्लियर पावर को हम एक्सप्लोड कर दें, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है कि न्यूक्लियर पावर में ये पावर होती है, दूसरे परमाणु के अंदर के न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देगा वो। तो एक जगह वो जागृत हुआ, सारे एटम को जागृत कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हुई, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी विनम्रता प्रकट होती है। हम चलते हैं, वो धूल का कण जमीन के नीचे हमें सहारा देता है। हमें ये एहसास नहीं कराता कि हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, इस तरह का दम्भ वो नहीं दिखाता है। हम उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर सोते हैं और अपने विनम्रता का उच्चतम प्रदर्शन करता है। ऐसे जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, सभी की महिमा अनंत और असीम है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ पहले क्यों नहीं थी? 1600 ईस्वी के पहले ये सब चीज़ें असंभव लगता था। विद्युत है, 1600 ईस्वी पहले ये कोई सोच ही नहीं सकता था। जो चीज़ें आज आप विज्ञान में देखते हैं, पहले ये संभव नहीं था। पहले तो ये था कि हम जिस दिन जाएंगे वो लिखा है, जिस दिन जाना है कोई रोक नहीं पाएगा। अब लोग समझ गए हैं कि जिस दिन जाना है अगर आप बताइए तो लाइफ सपोर्ट दे दिया जाएगा, उसका जाना रुक जाएगा, यमराज लौट जाएंगे। लाइफ सपोर्ट से एक दो दिन नहीं, महीनों रखा जा सकता है, वर्षों रखा जा सकता है, अगर पूरा इंतजाम कर लीजिए। हाँ ठीक है, आदमी कोमा में रहेगा, बेहोश रहेगा, बोल नहीं पाएगा, लेकिन जो कहते प्राण है, तो प्राण आपको दिखाई पड़ेगा कि प्राण है, इसमें जीव है। ये चीज़ कभी कोई समझता भी नहीं था। और तरह तरह की लोग कहानियाँ उल्टी सीधी बताया करते थे, साधु संत लोग, कि एक कोई चिड़िया थी, किसी संत ने कहा कि भाई तुम्हारा अमुक दिन
यमराज के यहाँ तुम्हें जाना होगा, तो चिड़िया बहुत सुरक्षित, इतना सुरक्षित कि पूछिए नहीं। तो फिर उसको कोई एक और चिड़िया आई, पूरी कहानी नहीं बता रहे हम, उसको कहता है कि चलो हम बहुत ही अच्छी जगह चलते हैं जहाँ खूब खाने पीने की चीज़ है, ऐशो आराम है, खूब फल है, हरियाली है, सब है। तो उसको पीठ पर बैठा करके ले गई, जैसे पेड़ पर बैठी, वो कोटर था जो चिड़िया गई थी, कोटर में गई, उसको वहाँ पर एक जानवर था, खा गया। तो किसी ने कहा देखो भाई, उसको उस दिन जाना था इसलिए चिड़िया को मरना था, वो मर गई। जिस दिन आपको जाना होगा चले जाएंगी। ये सब झूठी झूठी कहानियाँ बता करके साधु संतों ने लोगों का दिमाग भ्रम में डाला। अगर बिल्कुल सच है कि जिस दिन जाना है उसी दिन जाएंगे, तो सावधानी करने की आवश्यकता नहीं, आँख बंद करके सड़क पर चलिए, क्योंकि जाना निश्चित है। फिर दवा की ज़रूरत नहीं, बीमार रहिए, पड़े रहिए, जो होना है होगा ही, बीमारी आनी है आएगी, दवा लें या न लें, हमारा जाने का दिन निश्चित है, तो अस्पताल की ज़रूरत क्या। ये सब प्रवचन दिया गया जो हम लोगों की तरह, जो धर्म के अधिकारी कहे गए, जिन पर लोगों ने आस्था किया था, वही हमारी फील्ड गलत हो गई। आध्यात्मिक फील्ड को सुधारने के लिए विवेकानंद ने बड़ा कार्य किया, रामकृष्ण परमहंस ने, कबीर साहब, नानक देव जी, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अनेक लोगों ने, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन युग के प्रभाव के कारण जो पूरी तरह सफलता नहीं मिली। ईसा मसीह आए, शिक्षा देने के लिए सूली पर चढ़ गए। इधर महात्मा गांधी आए, कैसे सेवा की जाती है, ज्वलंत उदाहरण के रूप में जीवन व्यतीत किए। उन सब का असर बहुत अधिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ। अब इस समय आरोही द्वापर युग है, अब असर बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष देखेंगे आध्यात्मिकता का सही रूप प्रकट होगा, या राजनीति में जितने भी गोरख धंधे हैं वो प्रकट होंगे, न्यायपालिका के गोरख धंधे, कार्यपालिका के, व्यापार के, बिजनेस के, जिन जिन विभागों में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो सबको पता चलने लगेगा। कारण कि इस समय आरोही द्वापर का 317वां वर्ष चल रहा है। इसके बारे में कभी बताएंगे, आज उसका विषय नहीं है, आज विषय कुछ और है। तो याद रखिए, अब भारत के जगने का समय आ गया है, तो जगने का तरीका क्या है, जिन विधि से हम जगते हैं, जिस विधि से हमारे अंदर ज्ञान आता है, जिस विधि से हम स्वस्थ होते हैं, जिस विधि से हमें शांति मिलेगी, उन्हीं नियमों से राष्ट्र में भी शांति आती है। अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों को देख लेने के बाद पता चलता है कि भगवान सुनते नहीं हैं। वर्ष भर अनेक गड़बड़ कर्म हुए, तरह तरह की परेशानियां थी, सोचा कि चलेंगे गंगा में डुबकी लगाएंगे, बड़ी शांति मिलेगी, लगाए, जब तक डुबकी लगाते रहे उस समय किसी की निंदा नहीं किए, शांति रही। कितनी देर तक शांति रही, घर जाते ही फिर वैसे हो गए, रास्ते में ही वैसे हो गए। जितनी देर मंदिर में रहे, कीर्तन किए, भजन किए, माथा टेके, शांति रही, मंदिर से निकलते घर में गए फिर अशांत हो गए। हमें तो वह शांति चाहिए जो हमेशा बनी रहे, वो गायब न हो। इसके लिए क्रियायोग ध्यान एक ऐसा सूत्र है जिसको महर्षि पतंजलि बहुत पहले दे चुके हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय ही आविष्कार हुआ। इसी को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, और अनेक अवतार जो हुए सब ने यही शिक्षा दिया। इसी को प्राचीन भारत में यज्ञ के नाम से कहा जाता था, बाद में यज्ञ का रूप बदल गया, नर बल, पशु बल ये होने लगा। तो महर्षि पतंजलि ने यज्ञ के स्थान पर क्रियायोग लिख दिया, और क्रियायोग के सूत्र जो यज्ञ का सूत्र है दोनों एक ही है। जो यज्ञ का सूत्र है, तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, तो ब्रह्म का
जब अर्थ गलत लग गया कि ब्रह्म भूत पिशाची हो गया, तो महर्षि पतंजलि ने ब्रह्म हटा करके ईश्वर लिख दिया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानन क्रियायोग, प्राचीन मानव सभ्यता का जो यज्ञ था वही क्रियायोग के नाम से है। यज्ञ में जैसे अनेक प्रकार के गोरख धंधे चल गए, घी लाइए, मेवा लाइए, ये लाइए, वो सब जला दीजिए, जलाने के बाद धुआं जो होता दिमाग शुद्ध करता है, तो क्यों नहीं प्रयोग करके दिखा देते हम लोग कि जेल में जितने कैदी हैं दिमाग शुद्ध हो जाए। जितने लोग रिश्वत लेकर के खूब ऐशो आराम करते हैं, जनता का ख्याल नहीं करते हैं, सब खूब यज्ञ हवन करके बैठते हैं, तो ये सब दिखाई नहीं पड़ता। तो एक साधन बन गया पैसा इकट्ठा करने का, आरती के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, चढ़ावा के नाम पर। अब ये पता चल गया है कि ये सब चीज़ों से भक्ति नहीं आती है। भक्ति का उपाय क्या है जो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया, उसी को सभी पैगंबरों ने बताया, सभी अवतार ने। तभी आपने अभ्यास भी किया, ये अभ्यास करके देखा गया कि परमात्मा में भक्ति पाने के लिए सिर और ईर सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर हम मन को सिर और ईर पर केंद्रित करें, हर काम करते हुए सिर और ईर अनुभव करते रहें, जब हम बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, और हाथों से काम करते हो, पैरों से चलते हो, मन बुद्धि से सोचते हो, जितने प्रकार के हम कर्म करते हैं, अगर करते समय सब सिर और ईर की अनुभूति में बने रहे, तो याद रखिएगा हमारी यात्रा ईश्वर की ओर बनी रहती है। ईश्वर की ओर यात्रा का अर्थ क्या है? सच की ओर यात्रा। फिर पता चलेगा कि सच क्या है। हमारी इंद्रियां सच मार्ग पर चलेगी, मन और बुद्धि सच मार्ग पर चलेगा, इसलिए सिर और ईर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी को परमात्मा की वेदी कहा जाता है। परमात्मा की वेदी क्यों कहा गया? क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, जहाँ परमात्मा वहीं वेदी। सब जगह होते हुए भी सिर और ईर में एकाग्रता बढ़ाने पर परमात्मा अनुभूति जल्दी होती है। तो सिर और ईर में एकाग्रता बढ़ाने की जो परंपरा स्थापित किया ऋषियों मुनियों ने, बाद में फिर लोग इसको भूल गए, तो सिर रीढ़ के स्थान पर एक लकड़ी का दंड लेके चलने लगे। और दंड में देखिए, जैसे सिर और रीढ़ में गांठे होती हैं ज्ञान की, वैसे जब आप देखिए जो दंडी स्वामी लोग लेके चलते हैं, उसमें भी वही गांठे बनाते हैं, पांच गांठ, और एक जो अंतिम गांठ है इस तरह से। आप देखिए तो ऐसे है वो। फिर हम आ गए रिचुअल में, एकाग्रता बढ़ानी थी अपने सिर और रीढ़ में, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए तो लकड़ी ले लिए, क्योंकि मन स्वरूप में एकाग्र नहीं होता, मन भागता है, तो लकड़ी पर मन लगाने में आसानी होती है। आंखों से देखेंगे, आंख बंद करके सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाएं थोड़ा कठिन लगता है, तो उस लकड़ी की पाँच गांठों में एकाग्रता बढ़ाने से मिलेंगे परमात्मा। 10 लाख वर्ष व्याधिरहित जीवन चाहिए। अगर हमको एक जन्म में ही परमात्मा की अनुभूति करनी है और परमात्मा की अनुभूति को सिद्ध करना है, हम परमात्मा की अनुभूति अगर कर लिए हैं तो संपूर्ण ज्ञान हमारे हाथ में है, जितनी प्रकार की शक्तियाँ सब अपने साथ हैं, परम शांति परम आनंद अपने साथ है, अपने साथ जीवन है, मृत्यु दिखाई नहीं पड़ेगी और मृत्यु होती भी नहीं है। अगर मृत्यु है तो पानी को मारिए, प्रकाश के किरणों को मारिए, अणु परमाणु को मारिए, नहीं मार पाते हैं, इनका रूप बदलता है। तो सिर से पैर की उंगली तक किसी भी अंश की मृत्यु नहीं होती है, इनका रूप बदलता है। तो जब हम सिर और ईर में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो अनुभव होता है कि केवल जन्म होता है, मृत्यु नहीं, और हम प्रतिपल नए जन्म होते हैं। इसलिए सिर और ईर को क्रियायोग ध्यान में परमात्मा की वेदी कहते हैं। Thank you.
you.